महाभारत में इंटरेस्ट या स्टोरी सुनना पसंद है ये वीडियो के लिए। स्वागत है मेरे चैनल पर दोस्तों। पिछले वीडियो पर हमने बात किया था गांधारी का दुर्योधन के पास जाना कुरुक्षेत्र भूमि में और श्री कृष्ण के सम्मुख विलाप करना। तो पिछले सारे वीडियो आप देख सकते हैं, इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाइएगा और पिछला वीडियो या शुरुआत से देख सकते हैं। उसके बाद आज का चैप्टर है अपने अन्य पुत्र तथा दुशासन को देखकर गांधारी का श्री कृष्ण के सम्मुख विलाप। गांधारी बोली, माधव जो परिश्रम को जीत चुके थे उन मेरे 100 पुत्रों को देखो जिन्हें रणभूमि में प्राय भीम सेन ने अपनी गदा से मार डाला है। सबसे अधिक दुख मुझे आज ये देखकर हो रहा है कि ये मेरी बालवधु है जिनके पुत्र भी मारे जा चुके हैं। रणभूमि में केस खोले चारों ओर अपने सज्जनों की खोज में दौड़ रही है। ये महल की अट्टालिकाओं में आभूषण भूषित चरणों द्वारा विचरण करने वाली थी, परंतु आज विपत्ति की मारी हुई ये इस खून से भीगी हुई वसुधा का स्पर्श कर रही है। ये दुख से आतुर हो पगली स्त्री के समान झूमती हुई सब ओर विचरती है तथा बड़ी कठिनाई से गिदड़ों और कौवों को लाशों के पास से दूर हटा रही है। ये पतली कमर वाली सर्वांग सुंदरी दूसरी वधु युद्ध स्थल में भयानक दृश्य देखकर अत्यंत दुखी हो पृथ्वी पर गिर पड़ती है। माँ बहू ये लक्ष्मण की माता एक भूमिपाल की बेटी है, इस राजकुमारी की दशा देखकर मेरा मन किसी तरह शांत नहीं होता है। कुछ स्त्रियाँ रणभूमि में मारे गए अपने भाइयों को, कुछ पिताओं को और कुछ पुत्रों को देखकर उन माँ बहू वीरों को पकड़ लेती और वही गिर पड़ती है। अपराजित वीर इस दारुण संग्राम में जिनके बंधु बांधव मारे गए हैं उन अधेड़ और बूढ़ी स्त्रियों का यह करुणाजनक क्रंदन सुनो। माँ बहू देखो ये स्त्रियाँ परिश्रम और मोह से पीड़ित हो टूटे हुए रथ की बैठकों तथा मारे गए हाथी घोड़ों की लाशों का सहारा लेकर खड़ी है। श्री कृष्ण देखो वो दूसरी स्त्री किसी आत्मीयजनों के मनोहर कुंडल से सुशोभित और ऊंची नासिका वाले कटे हुए मस्तक को लेकर खड़ी है। अनग मैं समझती हूँ कि इन अनिज्ञ सुंदरी अबलाओं ने तथा मंद बुद्धि वाली मैंने भी पूर्वजन्म में कोई बड़ा भारी पाप किया है जिसके फलस्वरूप धर्मराज ने हम लोगों को बड़ी भारी विपत्ति में डाल दिया है। जनार्दन विष्णुनंदन जान पड़ता है कि किए हुए पुण्य और पाप कर्मों का उनके फल का उपभोग किए बिना नाश नहीं होता है। माधव देखो इन महिलाओं की नई अवस्था है, इनके वक्षस्थल और मुख दर्शनीय है, इनकी आँखों की बरौनियाँ और सिर के केस काले हैं, ये सबके सब कुलीन और सज्जल हैं। ये हंस के समान गदगद स्वर में बोलती है, परंतु आज दुख और शोक से मोहित हो चहचहाती सरियों के समान रोती बिलकती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी है। कमल नयन खिले हुए कमल के समान प्रकाशित होने वाले युवतियों के इन सुंदर मुखों को ये सूर्यदेव संतप्त कर रहे हैं। वसुदेव मतवाले हाथी के समान घमंड में चूर रहने वाले मेरे ईर्ष्यालु पुत्रों की इन रानियों को आज साधारण लोग देख रहे हैं। गोविंद देखो मेरे पुत्रों की ये 100 चंद्र का चिन्हों से सुशोभित ढाले सूर्य के समान तेजस्वी ध्वजाएं सुवर्णमय कवच सोने के निष्क और शिरत्राण घी की उत्तम आहुति पाकर प्रज्वलित हुई अग्नि के समान पृथ्वी पर दैवितमान हो रहे हैं। शत्रुघाती शूरवीर भीमसेन ने युद्ध में जिसे मार गिराया तथा जिसके सारे अंग का रक्त पी लिया वही ये दुशासन यहाँ सो रहा है। माधव देखो दूत क्रिया के समय पाए हुए क्लेशों को स्मरण करके द्रौपदी से पीड़ित हुए भीमसेन ने मेरे इस पुत्र को गदा से मार डाला है। जनार्दन इसने अपने भाई और कर्ण का प्रिय करने की इच्छा से सभा में जुए से जीती गई द्रौपदी के प्रति कहा था कि पांचाली तू नकुल सहदेव तथा अर्जुन के साथ ही हमारी दासी हो गई, अतः शीघ्र ही हमारे घर में प्रवेश कर। श्री कृष्ण उस समय में राजा दुर्योधन से बोली, बेटा शकुनी मौत के फंदे में फंसा हुआ है, तुम इसका साथ छोड़ दो। पुत्र तुम अपने इस खोटी बुद्धि वाले मामा को कलप्रिय समझो और शीघ्र ही इसका परित्याग करके पांडवों के साथ संधि कर लो। दुर्बुद्धे तुम नहीं जानते कि भीमसेन कितने अमरशील है, तभी जलती लकड़ी से हाथी को मारने के समान तुम अपने तीखे बागबानों से इन्हें पीड़ा दे रहे हो। इस प्रकार एकांत में मैंने इन सब को डांटा था। श्री कृष्ण उन्हीं बागबानों को याद करके क्रोधी भीमसेन ने मेरे पुत्र पर उसी प्रकार क्रोध रूपी विष छोड़ा है जैसे सर्प गाय बैलों को डसकर उनके अपने विष का संचार कर देता है। सिंह के मारे हुए विशाल हाथी के समान भीमसेन का मारा हुआ ये दुशासन दोनों विशाल हाथ फैलाए रणभूमि में पड़ा हुआ है। अत्यंत अमस में भरे हुए भीमसेन ने युद्धस्थल में
क्रुद्ध होकर जो दुशासन का रक्त पी लिया, ये बड़ा भयानक कर्म किया है। नेक्स्ट चैप्टर विकर्ण दुर्मुख चित्र से विभिन्सती दुष्यों को देखकर गांधारी का श्री कृष्ण के सम्मुख विलाप। गांधारी बोले, माधव, ये मेरा पुत्र विकर्ण जो विद्वानों द्वारा सम्मानित होता था भूमि पर मरा पड़ा है। भीमसेन ने इसके भी 100-100 टुकड़े कर डाले हैं। मधुसूदन, जैसे जैसे शरद काल में काले मेघों की घटा से घिरा हुआ चंद्रमा शोभा पा रहा था पारा हो, उसी प्रकार भीम द्वारा मारा गया विकर्ण हाथियों की सेना के बीच में सो रहा है। बराबर धनुष लिए रहने से इसकी विशाल हथेली में गड्ढा पड़ गया है। इसके हाथ में इस समय भी दस्ताना बंधा हुआ है, इसलिए इसे खाने की इच्छा वाले गीत बड़ी कठिनाई से किसी तरह काट पाते हैं। माधव, उसकी तपस्विनी पत्नी जो अभी बालिका है विषलरूप गिद्धों और कौओं को हटाने की निरंतर चेष्टा करती है परंतु सफल नहीं हो पाती है। पुरुष प्रवर माधव विकर्ण नवयुवक देवताओं के समान कांतिमान सूरवीर सुख में पला हुआ तथा सुख भोगने के लिए के योग्य था, परंतु आज धूल में लौट रहा है। युद्ध में करनी नालिक और नाराचों के प्रहार से इसके मर्मस्थल विदीर्ण हो गए हैं, तो भी इस भरतभूषण वीर को अभी तक अंग कांति छोड़ नहीं रही है। जो शत्रु समूहों का संहार करने वाला था वो दुर्मुख प्रतिज्ञा पालन करने वाले संग्राम शूर भीमसेन के हाथ से मारा जाकर समरभूमि में सो रहा है। तात श्री कृष्ण, इसका ये मुख हिंसक जंतुओं द्वारा आधा खा लिया गया है, इसलिए संपत्ति में चंद्रमा की भांति सुशोभित हो रहा है। श्री कृष्ण, देखो मेरे इस रणशूर पुत्र का मुख कैसा तेजस्वी है। पता नहीं मेरा ये वीर पुत्र किस तरह शत्रु के हाथ से मारा जाकर धूल फांक रहा है। सब युद्ध में युद्ध के मुहाने पर जिसके सामने कोई ठहर नहीं पाता था उस देवलोक विजयी दुर्मुख को शत्रु ने कैसे मार डाला। मधुसूदन, देखो जो धनुर्धरों का आदर्श था वही ये धृतराष्ट्र का पुत्र चित्रसेन मारा जाकर पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। विचित्र माला और आभूषण धारण करने वाले उस चित्रसेन को घेर कर शोक से कातर हो रोती हुई युवतियां हिंसक जंतुओं के साथ उसके पास बैठी है। श्री कृष्ण, एक और स्त्रियों के रोने की आवाज है तो दूसरी और हिंसक जंतुओं की गर्जना हो रही है। ये अद्भुत दृश्य मुझे विचित्र प्रतीत होता है। माधव, देखो ये देवतुल्य नवयुवक विभिन्सती जिसकी सुंदरी स्त्रियां सदा सेवा करती रहती थी आज विध्वस्त होकर धूल में पड़ा है। श्री कृष्ण, देखो बाणों से इसका कवच छिन्न भिन्न हो गया है। युद्ध में मारे गए इस वीर विभिन्सती को गिर चारों ओर से घेर कर बैठे हैं। जो सुरवीर समरांगण में पांडवों की सेना के भीतर घुस कर लोहा लेता था वही आज सत्पुरुषोचित वीर सैया पर शयन कर रहा है। श्री कृष्ण, देखो विभिन्सती का मुख अत्यंत उज्ज्वल है, इसके अधरों पर मुस्कुराहट खेल रही, नासिका मनोहर और भोय सुंदर है। ये मुख चंद्रमा के समान शोभा पा रहा है। जैसे कीड़ा करते हुए गंधर्वों के साथ सहस्त्र देवकन्याएं होती है, उसी प्रकार इस विभिन्सती की सेवा में बहुत सी सुंदर स्त्रियां रहा करती थी। शत्रु की सेना का संहार करने में समर्थ तथा युद्ध में शोभा पाने वाले शूरवीर शत्रुसूदन दुष्यों का वेग कौन सह सकता था। उसी दुष्यों का ये शरीर बाणों से खचाखच भरा हुआ है जो अपने ऊपर खिले हुए कनेर के फूलों से व्याप्त पर्वत के समान सुशोभित होता है। यद्यपि दुष्यों के प्राण चले गए हैं तो भी यह सोने की माला तेजस्वी कवच से सुशोभित हो अग्नियुक्त श्वेत पर्वत के समान जान पड़ता है। तो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर उत्तरा और विराट कुल की स्त्रियों के शोक एवं विलाप का वर्णन। गांधारी बोली, दशहरे नंदन केशव, जिसे बल और शौर्य में अपने पिता से तथा तुमसे भी डेढ़ गुना बताया जाता था, जो प्रचंड सिंह के समान अभिमान में भरा रहता था, जिसने अकेले ही मेरे पुत्र के दुर्भेद्य व्यूह को तोड़ डाला था, वही अभिमन्यु दूसरों की मृत्यु बनकर स्वयं भी मृत्यु के अधीन हो गया है। श्री कृष्ण, मैं देख रही हूँ कि मारे जाने पर भी अमित, तो दोस्तों मैंने पहले ही कहा था कि अभिमन्यु सबसे बड़ा योद्धा था, सर्वश्रेष्ठ योद्धा था, ठीक है, श्री कृष्ण से भी ज़्यादा, ऐसा गांधारी कह रही है। तेजस्वी अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की कांति अभी बुझ नहीं पा रही है। यह राजा विराट की पुत्री और गांडीवधारी अर्जुन की पुत्र वधु सती सावित्री उत्तरा अपने बालक पति वीर अभिमन्यु को मारा देख आर्त होकर शोक प्रकट कर रही है। श्री कृष्ण, ये विराट की पुत्री और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा अपने पति के निकट जा उसके शरीर पर हाथ फेर रही है। सुभद्र कुमार का मुख प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाता है, उसकी ग्रीवा शंकर के समान और गोल है। कमलीय रूप सौंदर्य से सुशोभित माननीय एवं मनस्विनी उत्तरा पति के मुख बिंद को सुनकर उसे गले से लगा रही है। पहले भी यह इसी प्रकार मधु के मत से अचेत हो सलज्ज भाव से उसका आलिंगन करती रही होगी। श्री कृष्ण, अभिमन्यु का सुवर्णभूषित कवच खून से रंग गया है। बालिका उत्तरा उस कवच को खोलकर पति के शरीर को देख रही है। उसे देखती हुई वो
बाला तुमसे पुकार कर कहती है, कमल नयन आपके भांजे के नेत्र भी आपके ही समान थे, ये रणभूमि में मार गिराए गए हैं। अनक जो बल वीर्य तेज और रूप में सर्वथा आपके समान थे, वही सुभद्र कुमार कुमार अभिमन्यु द्वारा मारे जाकर पृथ्वी पर सो रहे हैं। वही सुभद्र कुमार अभिमन्यु। श्री कृष्ण अब उत्तरा अपने पति को संबोधित करके कहती है, प्रियतम आपका शरीर तो अत्यंत सुकुमार है, आप रंग मृग के चर्म से बने हुए सुकोमल बिछौने पर सोया करते थे, क्या आज इस तरह पृथ्वी पर पड़े रहने से आपके शरीर को कष्ट नहीं होता? जो हाथी के सूंड के समान बड़ी है, निरंतर प्रत्यंचा खींचने के कारण रगड़ से जिसकी त्वचा कठोर हो गई है, जो सोने के बांजूबंद धारण करते हैं, उन विशाल भुजाओं को फैलाकर आप सो रहे हैं, निश्चय ही बहुत परिश्रम करके मानो थक जाने के कारण आप सुख की नींद ले रहे हो। मैं इस तरह अर्थ होकर विलाप करती हूँ किंतु आप मुझसे बोल तक नहीं है। मैंने कोई अपराध किया हो ऐसा तो मुझे स्मरण नहीं है, फिर क्या कारण है कि आप मुझसे नहीं बोलते हैं? पहले तो आप मुझे दूर से भी देख लेने पर बोले बिना नहीं रहते थे। आर्य आप माता सुभद्रा को इन देवताओं के समान ताऊ पिता और चाचा को तथा मुझ दुखतुरा पत्नी को छोड़कर कहाँ जाएंगे? जनार्दन देखो अभिमन्यु के सिर को गोदी में रखकर उत्तरा उसके खून से सने हुए केशों को हाथ से उठा उठा कर सुलझाती है और मानो वो जी रहा हो इस प्रकार उससे पूछती है, प्राणनाथ आप वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के भांजे और गांडीवधारी अर्जुन के पुत्र थे, रणभूमि के मध्य भाग में खड़े हुए आपको इन मारुतियों ने कैसे मार डाला? उन क्रूरकर्मा आचार्य कृपाचार्य कर्ण और जयद्रथ को धिक्कार है, द्रोणाचार्यों और उनके पुत्र को भी धिक्कार है जिन्होंने मुझे इसी उम्र में विधवा बना दिया। आप बालक थे और अकेले युद्ध कर रहे थे तो भी मुझे दुख देने के लिए जिन लोगों ने मिलकर आपको मारा था उन समस्त श्रेष्ठ महारथियों के मन की उस समय क्या दशा हुई थी? वीर आप पांडवों और पांचालों के देखते देखते सनात होते हुए भी अनाथ की भांति कैसे मारे गए? आपको युद्ध स्थल में बहुत से महारथियों द्वारा मारा गया देख आपके पिता पुरुष सिंह वीर पांडव अर्जुन कैसे जी रहे हैं? कमल नयन प्राणेश्वर पांडवों को जो ये विशाल राज्य मिल गया है, उन्होंने शत्रु को जो पराजित कर दिया है, यह सब कुछ आपके बिना उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकेगा। आर्यपुत्र आपके शस्त्रों द्वारा जीते हुए पुण्यलोकों में मैं भी धर्म और इंद्रिय संयम के बल से शीघ्र ही जाऊँगी, आप वहाँ मेरी राह देखिए। जान पड़ता है कि मृत्यु काल आए बिना किसी का भी मरना अत्यंत कठिन है, तभी तो मैं अभागिनी आपको युद्ध में मारा गया देखकर भी अब तक जी रही हूँ। नरश्रेष्ठ आप पितृलोक में जाकर इस समय मेरी ही तरह दूसरी किसी स्त्री को मंद मुस्कान के साथ मीठी वाणी द्वारा बुलाएंगे, निश्चय ही स्वर्ग में जाकर आप अपने सुंदर रूप और मंद मुस्कान युक्त मधुर वाणी के द्वारा वहाँ के अप्सराओं के मन को मत डालेंगे। सुभद्रा नंदन आप पुण्यात्माओं के लोकों में जाकर अप्सराओं के साथ मिलकर विहार करते समय मेरे शुभ कर्मों का भी स्मरण कीजिएगा। वीर इस लोक में तो मेरे साथ आपका कुछ 6 महीने तक ही सहवास रहा है, 7वें महीने में ही आप वीर गति को प्राप्त हो गए। इस तरह की बातें कहकर दुख में डूबी हुई उस उत्तरा को जिसका सारा संकल्प मिट्टी में मिल गया है मत्सराज विराट के कुल की स्त्रियाँ खींचकर दूर ले जा रही है। शोक से आतुर हुई उत्तरा को खींचकर अत्यंत आर्त हुई वे स्त्रियाँ राजा विराट को मारा गया देख स्वयं भी खींचने और विलाप करने लगी है। द्रोणाचार्य के बाणों से छिन्न भिन्न हो खून से लथपथ होकर रणभूमि में पड़े हुए राजा विराट को ये गिद्ध गिदड़ और कौवे नोच रहे हैं। विराट को उन बीह जंगमों द्वारा नोचे जाते देख कजरारी आंखों वाली उनकी रानियां आतुर होकर उन्हें हटाने की चेष्टा करती है पर हटा नहीं पाती है। इन युवतियों के मुखारबिंद धूप से तप गए हैं, आयास और परिश्रम से उनके रंग फीके पड़ गए हैं। माधव उत्तर अभिमन्यु कंबोज निवासी सुदक्षिण और सुंदर दिखाई देने वाले लक्ष्मण ये सभी बालक थे। इन मारे गए बालकों को देखो, युद्ध के मुहाने पर सोए हुए परम सुंदर कुमार लक्ष्मण पर भी दृष्टिपात करो। तो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर गांधारी के द्वारा कर्ण को देखकर उसका सम्मुख वर्णन। नेक्स्ट चैप्टर गांधारी के द्वारा कर्ण को देखकर उसके शौर्य तथा उसकी स्त्री के विलाप का श्री कृष्ण के सम्मुख वर्णन। गांधारी बोली, श्री कृष्ण देखो ये महाधनुधर महारथि व्याकृतन कर्ण कुंती कुमार अर्जुन के तेज से बुझी हुई प्रज्वलित आग के समान युद्ध स्थल में शांत होकर सो रहा है। माधव देखो व्याकृतन कर्ण बहुत से अतिरथि वीरों का संहार करके स्वयं भी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर सोया पड़ा है। शूरवीर कर्ण महान बलवान और महाधनुधर था,
ये दीर्घकाल तक रोष में भरा रहने वाला और अमरशील था, परंतु गांडीवधारी अर्जुन के हाथ से मारा जाकर ये वीर रणभूमि में सो गया है। पांडव पुत्र अर्जुन के डर से मेरे महारथी पुत्र, जिसे आगे करके युद्ध युद्धपतियों को आगे रखकर लड़ने वाले हाथियों के समान पांडव सेना के साथ युद्ध करते थे, उसी वीर को सभ्यसाची अर्जुन ने समरांगन में उसी तरह मार डाला है जैसे एक सिंह ने दूसरे सिंह को तथा एक मतवाले हाथी ने दूसरे मदोत्पन्न गजराज को मार गिराया हो। पुरुष सिंह रणभूमि में मारे गए इस सूरवीर के पास आकर इसकी पत्नियां सिर के बाल बिखेरे बैठी हुई रो रही है। तो कर्ण के भी बहुत सारे पत्नियां थे, वाइफ्स थे। माधव, जिससे निरंतर उद्विग्न रहने के कारण धर्मराज युधिष्ठिर को चिंता के मारे 13 वर्षों तक नींद नहीं आई, जो युद्धस्थल में इंद्र के समान शत्रुओं के लिए अजय था, प्रलयंकर अग्नि के समान तेजस्वी और हिमालय के समान निश्चल था, वही वीर कर्ण धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के लिए शरणदाता हो मारा जाकर आंधी के टूट कर पड़े हुए वृक्ष के समान धराशायी हो गया है। देखो, कर्ण की पत्नी एवं विश्वसेन की माता पृथ्वी पर गिर कर रोती हुई कैसा करुणाजनक विलाप कर रही है। प्राणनाथ, निश्चय ही तुम पर आचार्य का दिया हुआ श्राप लागू हो गया, जिससे इस पृथ्वी ने तुम्हारे रथ के पहिए को ग्रस लिया। तभी युद्ध में शोभा पाने वाले अर्जुन ने रणभूमि में अपने बाणों द्वारा तुम्हारा सिर काट लिया। हाय हाय, मुझे धिक्कार है सुवर्ण कवचधारी उदार हृदय महाबाहु कर्ण को इस अवस्था में देखकर अत्यंत आतुर हो रोती हुई सुसेन की माता मूर्छित होकर गिर पड़ी। मानव शरीर का भक्षण करने वाले शत्रुओं ने खा खाकर महामाना कर्ण के शरीर को थोड़ा सा ही शेष रहने दिया है। उसका ये अल्पावशेष शरीर कृष्णा पक्ष की चतुर्दशी के चंद्रमा की भांति देखने पर हम लोगों को प्रसन्नता नहीं प्रदान करता है। वो बेचारी कर्ण की पत्नी पृथ्वी पर गिरकर उठी और उठकर पुनः गिर पड़ी। कर्ण का मुख सूंघती हुई यह नारी अपने पुत्र के वध से संतुष्ट हो फूट फूट कर रो रही है। अपनी अपनी स्त्रियों से घिरे हुए अवंती नरेश और जयद्रथ को देखकर तथा दुशला पर दृष्टिपात करके गांधारी का श्री कृष्ण के सम्मुख विलाप। गांधारी बोली, भीमसेन ने जिसे मार गिराया था वो सूरवीर अवंती नरेश बहुतरे बंधु बांधवों से संपन्न था, परंतु आज उसे बंधुहीन की भांति गिद्ध और गिदड़ नोच नोच के खा रहे हैं। मधुसूदन, देखो, अनेकों सूरवीरों को संगार करके वो खून से लथपथ हो वीर सैया पर सो रहा है। उसे सियार कंक और नाना प्रकार के मांसभक्षी जीव जंतु इधर उधर खींच रहे हैं। ये समय का उलट फिर तो देखो, भयानक मारकाट मचाने वाले इस सूरवीर अवंती नरेश को वीर सैया पर सोया हुआ देख उसकी स्त्रियां रोती हुई उसे सब ओर से घेर कर बैठी है। श्री कृष्ण, देखो, माँ धनुधर प्रतीप नंदर महामनुष्वी बाहिक भल्ल से मारे जाकर सोए हुए सिंह के समान पड़े हैं। रणभूमि में मारे जाने पर भी पूर्णमासी को उगते हुए पूर्ण चंद्रमा की भांति इनके मुख की कांति अत्यंत अप्रकाशित हो रही है। श्री कृष्ण पुत्र शोक से संतप्त हो अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन करते हुए इंद्र कुमार अर्जुन ने युद्धस्थल में वृद्ध क्षत्र के पुत्र जयद्रथ को मार गिराया है। यद्यपि उसकी रक्षा की पूरी व्यवस्था की गई थी, तब भी अपनी प्रतिज्ञा का सत्य कर दिखाने की इच्छा वाले महात्मा अर्जुन ने 11 अश्विनी सेना का भेदन करके जिसे मार डाला था वही यह जयद्रथ यहाँ पड़ा है। इसे देखो, जनार्दन सिंधु और शिविर देश के स्वामी अभिमानी और मनुष्वी जयद्रथ को गीत और सियार नोच नोच कर खा रहे हैं। अच्युत, इसमें अनुराग रखने वाली इसकी पत्नियां यद्यपि रक्षा में लगी हुई है तथापि गिदड़िया उन्हें डरवा कर जयद्रथ की लाश को उनके निकट से गहरे गड्ढे की ओर खींच लिए जा रही है। ये कम्बोज और यवन देश की स्त्रियां सिंधु और शिविर देश के स्वामी महाबाहु जयद्रथ को चारों ओर से घेर कर बैठी है और वो उन्हीं के द्वारा सुरक्षित हो रहा है। जनार्दन, जिस दिन जयद्रथ द्रौपदी को हरकर कैकेय के साथ भागा था उसी दिन यह पांडवों के द्वारा वध्य हो गया था, परंतु उस समय दुशला का सम्मान करते हुए उन्होंने जयद्रथ को जीवित छोड़ दिया था। श्री कृष्ण, उन्हीं पांडवों ने आज फिर क्यों नहीं उसका सम्मान किया? देखो, वही मेरी यह बेटी दुशला जो अभी बालिका है किस तरह दुखी होकर विलाप कर रही है और पांडवों को कोसती हुई स्वयं ही अपनी छाती पीट रही है। श्री कृष्ण, मेरे लिए इससे बढ़कर महान दुख की बात और क्या होगी कि यह छोटी अवस्था की मेरी बेटी विधवा हो गई तथा मेरी सारी पुत्र विधवाएं भी अनाथा हो गई। हाय हाय, धिक्कार है, देखो देखो, दुशला शोक और भय से रहित सी होकर अपने पति का मस्तक ना पाने के कारण इधर उधर दौड़ रही है। जिस वीर ने अपने पुत्र को बचाने की इच्छा वाले समस्त पांडवों को अकेले रोक दिया था वही कितनी ही सेना का संघार करके स्वयं मृत्यु के अधीन हो गया। मतवाले हाथी के समान
उस परम दुर्जय वीर को सब ओर से घेर कर ये चंद्रमुखी रमणिया रो रही है। नेक्स्ट चैप्टर, शल्य भगदत्त भीष्म और द्रोण को देखकर श्री कृष्ण के सम्मुख गांधारी का बिलाप। गांधारी बोली, तात देखो ये नकुल के सगे मामा शल्य मरे पड़े हैं। इन्हें धर्म के ज्ञाता धर्मराज युधिष्ठिर ने युद्ध में मारा है। पुरुषोत्तम जो सदा और सर्वत्र तुम्हारे साथ होड़ लगाए रहते थे वही ये महाबली मद्रास शल्य यहाँ मारे जाकर चिर निद्रा में सो रहे हैं। तात ये वही शल्य है जिन्होंने युद्ध में सूतपुत्र कर्ण के रथ की बागडोर संभालते समय पांडवों की विजय के लिए उसकी तेज और उत्साह को नष्ट किया था। अहो धिक्यारे देखो ना, शल्य के पूर्ण चंद्रमा की भांति दर्शनीय और कमल दल के सदस्य नेत्र वाले व्रत रहित मुख को कौवे ने कुछ कुछ काट दिया है। श्री कृष्ण सुवर्ण के समान कांतिमान शल्य के मुख से तपाई हुई सोने के समान कांति वाली जीभ बाहर निकल आई है और पक्षी उसे नोच नोच कर खा रहे हैं। युधिष्ठिर के मारे द्वारा मारे गए तथा युद्ध में सभा पाने वाले मद्रास शल्य को ये कुलंगनाए चारों ओर से घेर कर बैठी है और रो रही है। अत्यंत महीन वस्त्र पहने हुए ये छत्रानिया क्षत्रिय शिरोमणि नरसिंह मद्रास के पास आकर कैसे करुण कंदन कर रही है। रणभूमि में गिरे हुए राजा शल्य को उनकी स्त्रियां उसी तरह सब ओर से घेरे हुए जैसे एक बार की बनाई हुई हथनिया कीचड़ में फंसे हुए गजराज को घेर कर खड़ी हो। विष्णुनंदन देखो ये दूसरे को शरण देने वाले शूरवीर शल्य बाणों से छिन्न भिन्न होकर भीषया पर सो रहे हैं। ये पर्वतीय तेजस्वी एवं प्रतापी राजा भगदत्त हाथों में हाथी का अंकुश लिए पृथ्वी पर सो रहे हैं। इन्हें अर्जुन ने मार गिराया था। इन्हें हिंसक जीव जंतु खा रहे हैं। इनके सिर पर यह सोने की माला विराज रही है जो केसों की शोभा बढ़ाती सी जान पड़ती है। जैसे वित्तासुर के साथ इंद्र का अत्यंत भयंकर संग्राम हुआ था उसी प्रकार इन भगदत्त के साथ कुंती कुमार अर्जुन का अत्यंत दारुण और रोमांचकारी युद्ध हुआ था। उन महाबाहुओं ने कुंती कुमार धनंजय के साथ युद्ध करके उन्हें संशय में डाल दिया था परंतु अंत में ही उन कुंती कुमार के ही हाथ से मारे गए। संसार में शौर्य और बल में जिसकी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है वे ही ये युद्ध में भयंकर कर्म करने वाले भीष्म जी घायल होकर बाण से वापस हो रहे हैं। श्री कृष्ण देखो ये सूर्य के समान तेजस्वी शांतिनंदन भीष्म कैसे सो रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानव प्रलय काल में काल से प्रेरित होकर सूर्यदेव आकाश से भूमि पर गिर पड़े हैं। केशव जैसे सूर्य सारे जगत को ताप देकर अस्ताचल को चले जाते हैं उसी तरह ये पराक्रमी मानव सूर्य रणभूमि में अपने शस्त्रों के प्रताप से शत्रु को संतप्त करके अस्त हो रहे हैं। जो उदरेता ब्रह्मचारी रहकर कभी मर्यादा से च्युत नहीं हुए हैं उन भीष्म को सूर्य से भी विरोचित शयन सरसैया पर सोते हुए देख लो। जैसे भगवान स्कंद सकंडों के समूह पर सोए थे उसी प्रकार ये भीष्म जी कर्णी नालिक और नाराज आदि बाणों की उत्तम संया बिछा कर उसी का आश्रय ले सो रहे हैं। इन गंगानंदन भीष्म ने रुई भरा हुआ तकिया नहीं लिया है, इन्होंने तो गांडीवधारी अर्जुन के दिए हुए तीन बाणों द्वारा निर्मित तकिए को ही स्वीकार किया है। माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए मां यशस्वी नैष्ठिक ब्रह्मचारी या शांतनुनंदन भीष्म जिनके युद्ध में कहीं तुलना नहीं है यहाँ सो रहे हैं। तात ये धर्मात्मा और सर्वज्ञ हैं, परलोक और यह लोक संबंधित ज्ञान द्वारा सभी आध्यात्मिक प्रश्नों का निर्णय करने में समर्थ है तथा मनुष्य होने पर भी देवता के तुल्य हैं। इन्होंने अभी तक अपने प्राण धारण कर रखे हैं। जब ये शांतनुनंदन भीष्म भी आज शत्रुओं के बाणों से मारे जाकर सो रहे हैं तो यही कहना पड़ता है कि युद्ध में ना कोई कुशल है ना विद्वान है और ना पराक्रमी ही है। पांडवों के पूछने पर इन धर्मज्ञ एवं सत्यवादी सूरवीर ने स्वयं ही अपनी मृत्यु का उपाय बता दिया था। जिन्होंने नष्ट हुए कुरुवंश का पुनः उद्धार किया था वे ही परम बुद्धिमान भीष्म इन कौरवों के साथ परास्त हो गए। माधव इन देवता तुल्य नरसिंह देवव्रत के स्वर्गलोक में चले जाने पर अब कौरव किसके पास जाकर धर्म विषयक प्रश्न करेंगे। जो अर्जुन के शिक्षक सात्यकी के आचार्य तथा कौरवों के श्रेष्ठ गुरु थे वे द्रोणाचार्य रणभूमि में गिरे हुए हैं, उन्हें भी देख लो। माधव जैसे देवराज इंद्र अथवा महापराक्रमी परशुराम जी चार प्रकार की अस्त्र विद्या को जानते हैं उसी प्रकार द्रोणाचार्य भी जानते थे। जिनके प्रसाद से पांडुनंदन अर्जुन ने दुष्कर कर्म किया है वही आचार्य यहाँ मरे पड़े हैं। उन अस्त्रों ने इनकी रक्षा नहीं की। जिनको आगे रखकर कौरव पांडवों को ललकारा करते थे वही शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य शस्त्र से क्षतविगत हो गए हैं। शत्रु की सेना को दग्ध करते समय जिनकी गति अग्नि के समान होती थी वही बुझी हुई लपटों वाली आहक समान मरकर पृथ्वी पर पड़े हैं।
माधव युद्ध में मारे जाने पर भी द्रोणाचार्य के धनुष के साथ जुड़ी हुई मुट्ठी ढीली नहीं हुई है। दस्ताना भी जो कर तो दिखाई देता है मानो वो जीवित पुरुष के हाथ में हो। केशव जैसे पूर्वकाल में ही प्रजापति ब्रह्मा से वेद कभी अलग नहीं हुई, उसी प्रकार जिन सुरभि द्रोण से चारों वेद और संपूर्ण अस्त्र शस्त्र कभी दूर नहीं हुए, उन्हीं के बंदीजनों द्वारा बंधित इन दोनों सुंदर एवं वंदनीय चरणान बिंदों की जिनको सैकड़ों शिष्य पूजा करते हैं, गिदड़ घसीट रहे हैं उन्हें। मधुसूदन, द्रुपद पुत्र के द्वारा मारे गए द्रोणाचार्य के पास उनकी पत्नी कृपी बड़े दीन भाव से बैठी है। दुख से उनकी चेतना लुप्त सी हो गई है। देखो, कृपी केस खोले नीचे मुंह किए रोती हुई अपने मारे गए पति शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य की उपासना कर रही है। केशव दृष्टिदुम्न ने अपने बाणों से जिन आचार्य द्रोण का कवच छिन्न भिन्न कर दिया है, उन्हीं के पास युद्धस्थल में वो जटाधारिणी ब्रह्मचारिणी कृपी बैठी हुई है। शोक से दिन और आतुर हुई यशस्विनी सुकुमारी कृपी समर में मारे गए पतिदेव का प्रेत कर्म करने की चेष्टा कर रही है। विधिपूर्वक अग्नि की स्थापना करके चिता को सब ओर से प्रज्वलित कर दिया गया है और उस पर द्रोणाचार्य के शरीर को रखकर समगान करने वाले ब्राह्मण त्रिविध साम का गान करते हैं। माधव, इन जटाधारी ब्रह्मचारियों ने धनुष शक्ति रथ की बैठक और नाना प्रकार के बाण तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं से उस चिता का निर्माण किया है। वे उसी पर माँ तेजस्वी द्रोण को जलाना चाहते हैं, इसलिए द्रोण को चिता पर रखकर वे वेद मंत्र पढ़ते और रोते हैं। कुछ लोग अंत समय में उपयोगी त्रिविध सामों का गान करते हैं। चिता के अग्नि में अग्निहोत्र से द्रोणाचार्य को रखकर उनकी आहुति दे उन्हीं के शिष्य दयतीय गण कृपी को आगे और चिता को दया करके गंगा जी के तट की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर, वृषभा के पास उसकी पत्नियों का विलाप, उन सबको और शकुनी को देखकर गांधारी का श्री कृष्ण के सम्मुख शोकाग्र। गांधारी बोली, माधव देखो, सात्विकी ने जिन्हें मार गिराया था वही ये सोमदत्त के पुत्र वृषभा पास ही दिखाई दे रही है। इन्हें बहुत से पक्षी चोच मार मार कर नोच रहे हैं। जनार्दन उधर पुत्र शोक से संतप्त होकर मरे हुए सोमदत्त महाधनुर सात्विकी की निंदा करते हुए से दिखाई दे रहे हैं। उधर वे शोक में डूबी हुई वृषभा की सती सावित्री माता अपने पति को मानो आश्वासन देती हुई कहती है, महाराज सौभाग्य से आपको ये भरतवंशियों का दारुण विनाश घोर प्रलय के समान कुरुकुल का संघार देखने का अवसर नहीं मिला है, जिसकी ध्वजा में युग का चिन्ह था, जो शस्त्र स्वर्ण मुद्राओं की भूरी भूरी दक्षिणा दिया करता था और जिसने अनेक यज्ञों का अनुष्ठान पूरा कर लिया था। उस वीर पुत्र वृषभा की मृत्यु का कष्ट सौभाग्य से आप नहीं देख रहे हैं। महाराज, समुद्र तट पर चित्कार करने वाली सरियों के समान इस युद्धस्थल में आप अपने इन पुत्रवधुओं का अनंत भयानक विलाप नहीं सुन रहे हैं, ये भाग्य की बात है। भाग्य की ही बात है, आपकी पुत्रवधुएं एक वस्त्र अथवा आधे वस्त्र से ही शरीर को ढककर अपनी काली काली लटे छिटकाए इस युद्ध भूमि में चारों ओर दौड़ रही है। इन सबके पुत्र और पति भी मारे जा चुके हैं और आपका बड़ा भाग्य है कि अर्जुन ने जिसकी एक बाह काट ली थी और सात्विकी ने जिसे मार गिराया था, युद्ध में मारे गए उस वृषभ और शल को आप हिंसक जंतुओं का आहार बनते नहीं देखते हैं तथा इन सब अनेक प्रकार के रूप रंग वाली पुत्र वधुओं को भी आज यहाँ रणभूमि में भटकती हुई नहीं देख रहे हैं। सौभाग्य से अपने महामनुष्य पुत्र युद्धज वृषभ के रथ पर खंडित होकर गिरे हुए उसके सुवर्णमय छत्र को आप नहीं देख पा रहे हैं। श्री कृष्ण वृषभा की कजरारे नेत्रों वाली ये पत्नियां सात्विकी द्वारा मारे गए अपने पति को सब ओर से घेर कर बारम्बार शोक से पीड़ित हो रही है। केशव पति शोक से पीड़ित हुई ये अबलाय करुण जनक विलाप करके पति के सामने अत्यंत दुख से पछाड़ खा खा कर गिर रही है। वे कहती है, अर्जुन ने यह अत्यंत घृणित कर्म कैसे किया कि दूसरे के साथ युद्ध में लगे रहकर उनकी ओर से असावधान हुए आप जैसे यज्ञपरायण सूरवीर की बाह काट डाली। उनसे भी बढ़कर घोर पाप कर्म सात्विकी ने किया है क्योंकि उन्होंने अमरण अनशन के लिए बैठे हुए एक शुद्धात्मा साधु पुरुष के ऊपर खड़क का प्रहार किया है। धर्मात्मा महापुरुष, तुम अकेले दो महारथियों द्वारा अधर्म पूर्वक मारे जाकर रणभूमि में सो रहे हो। भला सत्य के साधु पुरुषों के स्वभाव और बैठकों में अपने लिए कलंक का टीका लगाने वाले इस पाप कर्म का वर्णन स्वयं अपने ही मुख से किस प्रकार करेंगे माधव। इस प्रकार युग ध्वज की ये स्त्रियां सात्विकी को कोस रही है। श्री कृष्ण, देखो युग ध्वज की ये पतली कमर वाली भार्या पति की कटी हुई बांह को गोद में लेकर बड़े दीन भाव से विलाप कर रही है। ये कहती है, हाय, ये वही हाथ है जिसने युद्ध में अनेक शूरवीरों को वध, मित्रों को अभयदान, शस्त्र गोदान तथा क्षत्रियों का संहार किया है। ये वही हाथ है जो हमारी कर धनी को खींच लेता,
उभरे हुए स्तनों का मर्दन करता, नाभि उरु और जगन प्रदेश को छूता और अनिबी का बंधन सरका दिया करता था। अब मेरे पति समरंगन में दूसरे के साथ युद्ध में संलग्न हो अर्जुन की ओर से असावधान थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण के निकट अनायासी महान कर्म करने वाले अर्जुन ने इस हाथ को काट गिराया था। जनार्दन, तुम सत्पुरुषों की सभाओं में बातचीत के प्रसंग में अर्जुन के महान कर्म का किस तरह वर्णन करोगे, अथवा स्वयं किरीटधारी अर्जुन ही कैसे इस जघन्य कार्य की चर्चा करेंगे? इस तरह अर्जुन की निंदा करके यह सुंदरी चुप हो गई। इसकी बड़ी स्वतः इसके लिए इसी प्रकार शोक प्रकट कर रही है जैसे सास अपनी बहू के लिए किया करती है। ये गांधार देश का राजा महाबली सत्य पराक्रमी शकुनी पड़ा हुआ है। इसे सहदेव ने मारा है, भांजे ने मामा के प्राण लिए हैं। पहले सोने के डंडों से विभूषित दो दो व्यंजनों द्वारा जिसको हवा की जाती थी, वही शकुनी आज धरती पर सो रहा है और पक्षी अपनी पंखों से इसको हवा करते हैं। जो अपने सैकड़ों और हजारों रूप बना लिया करता था, उस मायावी की सारी माया पांडुपुत्र सहदेव के तेज से दग्ध हो गई। माया यानी छल चालाकी। जो छल विद्या का पंडित था, जिसने दूतसभा में माया द्वारा युधिष्ठिर तथा उनके विशाल राज्यों को जीत लिया था, वही फिर अपना जीवन भी हार गया। श्री कृष्ण आज शकुनी पक्षी ही इस शकुनी की चारों ओर से उपासना करते हैं। इसने मेरे पुत्र के विनाश के लिए ही द्यूत विद्या अथवा धूर्त विद्या सीखी थी। इसी ने सगे संबंधियों सहित अपने और मेरे पुत्रों के वध के लिए पांडवों के साथ महान बैर की नींव डाली थी। प्रभु, जैसे मेरे पुत्रों को शस्त्र द्वारा जीते हुए पुण्यलोक प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार इस दुर्बुद्धि शकुनी को भी शस्त्र द्वारा जीते हुए उत्तम लोक प्राप्त होंगे। मधुसूदन, मेरे पुत्र सरल बुद्धि के हैं। मुझे भय है कि उन पुण्यलोकों में पहुंचकर ये शकुनी फिर किसी प्रकार उन सब भाइयों में परस्पर विरोध न उत्पन्न कर दे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, अन्यन्य वीरों को मरा हुआ देखकर गांधारी का शोकातुर होकर विलाप करना और क्रोधपूर्वक श्री कृष्ण को यदुवंश विनाश विषयक शाप देना। इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।